आज हम लोग बात करते हैं मई महीने के मनाए जाने वाले दिवस के बारे में बात करते हैं। मई के महीने में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? महाराष्ट्र दिवस। ठीक है, 1 मई को गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस, 1 मई को गुजरात दिवस, और 1 मई को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्या थीम थी और ये कब स्टार्ट हुआ था? थीम नहीं, कब से स्टार्ट हुआ था मैं बात करूंगा। तो भारत में चेन्नई में 1 मई 1983 में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में मजदूर दिवस मनाना शुरू हुआ। यानी ये स्टार्ट कब से हुआ मजदूर दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की भारत में अगर बात करें तो चेन्नई के 1 मई 1989 में, यानी चेन्नई में 1 मई 1989 यानी 1 मई 1989 में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में मजदूर दिवस मनाना शुरू हुआ। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना दिवस मनाया जाता है। 2 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूना। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 3 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। थीम 2022 की क्या थी? डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। यानी क्या था? डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। एम क्या होता है? मीडिया को आज की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता। यानी इसमें बताया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में थीम 2022 की थी डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, और उद्देश्य इसका था कि मीडिया की आज़ादी के प्रति जागरूकता फैलाना। चौथा यानी कि 4 मई को कोयला खदान दिवस मनाया जाता है। 4 मई को क्या मनाया जाता है? कोयला खदान दिवस। और 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस 4 मई को मनाया गया, ना कि मनाया जाता है, 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। हालांकि ये मई का पहला मंगलवार, तो मई महीने में जो पहला मंगलवार होता है उसमें विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस, दाई है, ठीक है, दाई दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। इसकी हर तारीख हर साल बदलती रहेगी, लेकिन इस साल 2022 में 5 मई को मनाया गया विश्व एथलेटिक दिवस। उसके बाद बात आती है विश्व स्वच्छता दिवस। विश्व स्वच्छता दिवस भी 5 मई को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी 2022 की? स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता और सुरक्षा, जलवायु या संस्कृति। ठीक है, एम क्या है? स्वास्थ्य देखभाल के लिए हाथ स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। स्वास्थ्य देखभाल के लिए हाथ स्वच्छता यानी हाथ की सफाई के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना या उत्पन्न करना। क्योंकि हम सबको पता है हमारे हाथ में सूक्ष्म माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जो हम कोई भोजन या खाद्य पदार्थ एक्सेप्ट करते हैं या लेते हैं तो उसके थ्रू वो कहाँ चले जाते हैं? हमारे स्टमक में, पेट में चले जाते हैं, जो हमारे शरीर को क्या पहुँचाते हैं? नुकसान। तो 5 मई को विश्व स्वच्छता दिवस, 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे, इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई को, 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है। 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है इसमें कि जो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं, संस्थापक थे, हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। यानी विश्व रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट, उनका जन्मदिन पड़ता है, इसलिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या था? मानव जीवन की रक्षा करना और सेहतमंद रखना। यानी मानव जीवन की क्या करना? रक्षा करना और उसे सेहतमंद रखना। थीम 2022 की क्या थी? बी ह्यूमन काइंड। क्या थी? बी ह्यूमन काइंड। 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। 8 मई को स्मरण और पुनर्मिलन दिवस भी मनाया जाता है। तो 8 मई को स्मरण और पुनर्मिलन दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, हालांकि ये इस बार 8 मई को मनाया गया, लेकिन मई और अक्टूबर का जो दूसरा सैटरडे पड़ता है, याद रखिएगा ये 2 महीने मनाया जाता है, मई वाले महीने में भी, अक्टूबर वाले महीने में भी। तो मई महीना और अक्टूबर का जो महीना होगा, जो दूसरा शनिवार होगा,
उसमें विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। थीम 2022 की क्या थी? प्रकाश प्रदूषण पर केंद्रित, यानी प्रकाश प्रदूषण पर केंद्रित 2022 की थीम थी। एम क्या है? प्रवासी पक्षियों के लिए जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए देशों को जागरूक करना। 8 मई को मनाया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति और सम्मान का दिन 8 और 9 मई रखा गया। 9 मई को मदर्स डे यानी मातृ दिवस मनाया जाता गया इस बार। और हालांकि ये मनाया जाता है हर मई महीने में जो दूसरा संडे पड़ता है, तो मई महीने का जो दूसरा संडे पड़ता है यानी सेकेंड रविवार पड़ता है, उसमें ये मनाया जाता है मदर्स डे या मातृ दिवस। 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्म दिवस मनाया जाता है। 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्म दिवस मनाया जाता है क्योंकि 9 मई वाली तारीख में 1540 यानी 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। थीम 2022 की क्या थी? टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, क्योंकि आपको पता है विज्ञान विदाउट टेक्नोलॉजी क्या है? एकदम से अधूरी है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग विज्ञान में ही किया जाता है और विज्ञान टेक्नोलॉजी एक दूसरे के पूरक होते हैं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। थीम 2022 को क्या थी? नर्स अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। फिर सुनिएगा, नर्स अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। रीजन क्या था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। किसके दिवस पर? जन्म दिवस पर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 15 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। 15 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, यानी लुप्त मतलब गायब हो चुकी, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस थर्ड मई को, यानी कि मई जो पड़ता है, मई का जो महीना होता है उसमें तीसरा जो फ्राइडे होता है, मई महीने का जो तीसरा फ्राइडे होता है उसमें राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। तो 15 मई राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, यानी थर्ड मई मतलब तीसरा मई का जो, मई का जो तीसरा फ्राइडे होता है उसमें मनाया जाता है राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, मई महीने का तीसरा शुक्रवार इस बार 15 मई को मनाया गया। 15 मई को अमेरिका स्वतंत्रता सेना, अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। 15 मई को क्या मनाया जाता है? अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया। और हर साल की बात करें तो ये मई महीने मनाया जाता है लेकिन ये सेकंड सैटरडे होता है, तो मई महीने का मई महीने का जो तीसरा शनिवार है, थर्ड सैटरडे है, उसमें अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। 16 मई को शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, यानी तीसरा जो हमारा होता है, तीसरा रविवार होता है, ठीक, उसमें मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 16 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, जिसे नेशनल डेंगू डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल डेंगू डे। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस यानी नेशनल डेंगू डे। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है, यानी सूचना समाज दिवस। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, यानी विश्व उच्च रक्तचाप यानी वर्ल्ड, और उच्च मतलब हाई, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, तो आपको पता चल गया हाई ब्लड प्रेशर डे, यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 18 मई को ठीक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। थीम क्या थी 2022 को? संग्रहालयों की शक्ति। क्या थी? संग्रहालयों की शक्ति। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 20 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। थीम क्या थी 2022 की? डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी, डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। थीम क्या थी? बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम। क्या होता है?
थीम क्या थी? बी इंगेज सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम। 21 मई को संवाद एवं विकास हेतु सांस्कृतिक विविधता का दिवस मनाया जाता है। 21 मई को संवाद एवं विकास हेतु सांस्कृतिक विविधता का दिवस मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद निरोधी दिवस मनाया जाता है। आतंकवाद निरोधी दिवस की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। चाय मतलब टी यानी कि काफी, जो कहवा होता है चाय। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में ने 21 मई को स्वीकृति दी। भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की स्वीकृति दी। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 23 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। 27 मई को पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। 27 मई को, तो पुण्यतिथि का मतलब हमने आपको बताया डेथ एनिवर्सरी से, जब भी पुण्यतिथि बोला जाए डेथ यानी मृत्यु से संबंधित है। तो 27 मई को पूर्व पीएम यानी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस है। 28 मई को नेपाल का राष्ट्रीय दिवस है। 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है। 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई जाती है। विनायक दामोदर सावरकर की जयंती, जिन्हें वीर सावरकर भी कहते हैं। 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति यानी सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति या सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है। 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि डाइजेस्टिव हेल्थ सिस्टम, ठीक, दिवस, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 30 मई को वर्ल्ड वेप डे मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 31 मई भी बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। तो ये पूरा मई महीने का दिवस था। इसको मैं फटाफट में आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस, 1 मई को गुजरात दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी मजदूर दिवस, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूनर दिवस, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खदान दिवस, 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस, ठीक है। और ये मई का पहला मंगलवार, याद रखिएगा, 4 मई को मनाया गया लेकिन विश्व अस्थमा दिवस मई का महीने का पहला मंगलवार, फर्स्ट ट्यूजडे, ठीक है। 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस, विश्व एथलेटिक दिवस की तारीख बदलती रहेगी, इस बार 5 मई को मनाया गया। विश्व स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया गया, ठीक। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाती है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। 8 मई को स्मरण और पुनर्मिलन दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और ये बताया गया कि मई और अक्टूबर का जो दूसरा सैटरडे होगा, शनिवार होगा, उसे मनाया जाता है। 8 मई को, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के दिन 8 और 9 मई को मनाया जाता है। 9 मई को मदर्स डे यानी मातृ दिवस होता है। मई का दूसरा रविवार मनाया गया इस बार, मई का दूसरा रविवार मनाया जाता है। 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्मदिवस था, तो इस वजह से 9 मई को महाराणा प्रताप की जन्मदिवस यानी जयंती मनाई जाती है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 15 मई यानी राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस इस बार मनाया गया। 15 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, हालांकि ये मई का तीसरा शुक्रवार होता है। 15 मई को अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया इस बार, हालांकि ये मई का ये भी तीसरा शनिवार है ये, ठीक है। 16 मई शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी मनाया जाता है, 16 मई को मनाया गया इस बार। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस या सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है।
18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है, 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, 21 मई को संवाद एवं विकास सांस्कृतिक विविधता का दिवस मनाया जाता है, 21 मई को आतंकवाद निरोधी दिवस यानी आतंकवाद निरोधी दिवस मनाया जाता है, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, 27 मई को पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है, 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस होता है, 28 मई को नेपाल का राष्ट्रीय दिवस होता है, 28 मई को विश्व धार्मिक मासिक धर्म स्वच्छता मनाया जाता है, 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर की जयंती होती है, 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है, 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति या सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है, 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, 30 मई को वर्ल्ड वेब डे मनाया जाता है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो ये पूरा मई महीने के आपके जो दिवस थे जो मैंने आपको बता दिया, दैट्स ऑल फॉर द डे।